मैं संजय कुमार कलवार आज आप लोगों को फोर्टीज बैरोमीटर के बारे में बताऊंगा। यह फोर्टीज बैरोमीटर का इस्तेमाल वायु भार को मापने के लिए किया जाता है। इस बैरोमीटर के अंदर एक कांच का ट्यूब होता है जो कि 90 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका ऊपरी भाग कांच से ही ढका रहता है या बंद रहता है। यह ट्यूब पारा या मरकरी से भरा रहता है और इसके निचला हिस्सा में सिस्टर्न होता है, यह भी पारा से भरा रहता है। यह कांच का ट्यूब कासे या ब्रास के ट्यूब से सुरक्षित ढका रहता है। इस कासा या ब्रास ट्यूब के ऊपर पारा ऊपर नीचे होता है, जहां पर दोनों ओर स्केल होता है। इसके ऊपरी भाग पर मुख्य मापक या स्केल होता है। सही पैमाना निकालने के लिए वहां एक वर्नियर मापक भी होता है, जिसे ऊपर नीचे सरकाकर सही मापनी प्राप्त किया जाता है। इस कांच के ट्यूब के नीचे जो सिस्टर्न होता है वो खासकर रबर से बना होता है, जो लचीला या फ्लेक्सिबल होता है। पारा या मरकरी लेबल को नीचे स्थित स्क्रू से संतुलित किया जाता है। ध्यान से देखिए, सिस्टर्न के ऊपरी भाग में एवरी पॉइंटर होता है। इसका अंतिम छोर वायु भार का सबसे निचला पैमाना जीरो को प्रदर्शित करता है, जीरो को दर्शाता है। सिस्टर्न में स्थित पारा को नीचे के स्क्रू से संतुलित किया जाता है। नीचे के स्क्रू को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि पारा एवरी पॉइंटर के सबसे निचले वाले भाग को छू न ले, यानी जीरो लेवल को प्राप्त न कर ले। अब देखते हैं किस प्रकार यह कार्य करता है। यह देखिए कि सिस्टम में जब पारा कम होता है तो ट्यूब में पारा बढ़ता है, और जब ट्यूब में कम होता है तो सिस्टम में बढ़ता है। अर्थात पारा ट्यूब और सिस्टम के मध्य स्थानांतरित होता रहता है। परिणाम स्वरूप सिस्टम में पारा की मात्रा बदलता रहता है और एक समय आएगा कि दोनों ही स्थिर हो जाएंगे। अब हम वायु भार को निकालने के लिए हम लोग ट्यूब के ऊपरी भाग पर स्थित पारा को देखेंगे और ऊपर स्थित मापक के द्वारा हम भार निकालने का प्रयास करेंगे। वर्नियर स्केल को ऊपर नीचे करके उस पारा तक लाकर सेट करेंगे। अब हम मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के द्वारा मापक निकालेंगे और इस प्रकार से वायु भार को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। आखिर यह किस प्रकार होता है? जब वायु भार बढ़ता है तो वायु में उपस्थित मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ दबाव डालता है, जिससे सिस्टम में पारा पर दबाव पड़ता है और वह पारा ट्यूब में ट्यूब की सहायता से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। सिस्टम में स्थित पारा को नीचे के स्क्रू से संतुलित किया जाता है। फिर से देखिए, वायु भार को मापने के लिए हम नीचे के स्क्रू को घुमाकर जैसे ही एवरी पॉइंट से पारा को मिलाकर वायु भार का जीरो लेवल को स्थिर करते हैं, वायु भार के लिए ट्यूब का पारा भी भार के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। देखिए 600 से 40 और 5 45। अब एग्जैक्ट निकालने के लिए वर्नियर स्केल और मुख्य स्केल की दोनों रेखाओं को ठीक से देखेंगे। जहां पर मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल की रेखाएं जहां पूर्ण रूप से एक कतार में आ जाएंगी, एक सीधी रेखा पर आ जाएंगी, तो वही रेखा दशमलव की रेखा होगी। अर्थात ये कई रेखाएं होंगी जिसमें से जो सबसे ज्यादा मिलेगा वही हम लेंगे। यहां पर 0.4 है, यानी कि यहां का वायु भार हुआ 645.4। बैरोमीटर के नीचे
एक मापक और होता है जो कि तापमान को दर्शाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो कृपया कमेंट कीजिएगा। मैं चेष्टा करूंगा कि और अच्छी तरह से इस वीडियो को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।